अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तारिक व्लॉगर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टफ टाइल किस तरह बनाया जाता है, टफ टाइल में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कितने वक़्त में ये तैयार होता है और इसको फिर खुश करने में और फिर सांचे से निकालने में कितना अरसा लगता है। खाका, क्रेश और सीमेंट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तालाब की शक्ल में बनाया जाता है ताकि इसमें पानी छोड़ सके। फाइबर के फर्मों को सेट करने के बाद अभी इनके ऊपर डीजल और मोबिल ऑयल का मिक्सचर स्प्रे किया जाता है ताकि टफ टाइल का जो है शेप साफ और ख़ूबसूरत निकले। मार्केट में आपने अक्सर मुख्तलिफ़ कलर्स के टफ टाइल्स देखे होंगे और आज हम बनाने वाले हैं रेड कलर के टफ टाइल्स। इतने से टब में आपने पानी लेना है और 2 किलो तकरीबन इसमें कलर पाउडर मिक्स होगा। दो किलो कलर पाउडर में तकरीबन एक बोरी सीमेंट का 1/4 हिस्सा शामिल किया जाएगा। उसके बाद फिर इस मिक्सचर में तकरीबन आधा रेडी क्रेश मिक्स किया जाएगा। फिर फाइनली इन फर्मों में क्रेश का जो है मिक्सचर, कलर मिक्सचर भरा जाएगा। कलर मिक्सर के ऊपर अभी सिंपल जो मिक्सर डाला जाएगा।